हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की मिशन बुनियाद की वर्कशीट, जो कि है डे 51 एंड 52 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बॉक्स में नीचे दी गई संख्याओं को सीढ़ी पर घटते क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है और फिर हमें धीरे धीरे सबसे छोटी संख्या पर पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए नीचे हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, कहाँ पे? बॉक्स में। और नीचे हमें सीढ़ियाँ भी दे रखी हैं और इन सीढ़ियों पे हमें इन नंबर्स को लिखना है। देखिए पहला वाला बॉक्स ये है। इस बॉक्स में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 96, जो इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। उससे छोटी संख्या है 74, जो इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं के बाद की बात करें, 96 हो गया और 74 भी हो गया, इससे जस्ट छोटी जो संख्या है वो कौन सी है? तो वो है 37। यहाँ पे हम लिखेंगे 37। 37 भी हो गया। इसके बाद उससे छोटी संख्या है 1919। 19 के बाद उससे छोटी संख्या है 7। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 22, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। 22 के बाद उससे जस्ट छोटी जो नंबर है वो है 18, 1818। 18 से जस्ट छोटा नंबर है 15, 1515। 15 से जस्ट छोटा नंबर है 1414। और 14 से छोटा नंबर है 7। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड बॉक्स पे। तो थर्ड बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर है 82, जो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, और उससे छोटा नंबर है 57, जो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। हमें इनके आगे वाले नंबर्स को इसी क्रम में लगाना है। 82 हो गया और 57 हो गया। 57 से छोटा जो नंबर है वो है इस बॉक्स में, वो है 38। 38 भी हो गया। उसके बाद जो छोटा नंबर बचा वो है 26। 26 के बाद जो नेक्स्ट छोटा नंबर है वो है 1212। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जैसे पिछली वर्कशीट्स में आप घटते क्रम में या अवरोही क्रम में सवालों को लगा रहे थे, संख्याओं को लगा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल करना है। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, जो कि है दूसरा सवाल, जिसमें हमसे कह रखा है कि इसमें क्या रखा है, दिए गए उदाहरण को समझें और खाली स्थानों में उचित संख्या लिखें। तो यहाँ पे हमें कई सारी संख्याएं दे रखी है और कह रखा है इस कॉलम में हमें इससे 5 अधिक संख्या लिखनी है, और इस वाले कॉलम में 7 कम करके लिखना है, इस वाले कॉलम में 50 ज़्यादा करके लिखना है, और इस वाले कॉलम में कितना कम करना है? तो 10 कम करना है। ठीक है, तो चलिए इस बॉक्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो देखो यहाँ पे है नंबर 23, इन्होंने कहा कि आप 5 अधिक करिए, यानी 5 ज़्यादा करिए। तो अगर हम 23 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, इस वाले कॉलम में है 7 कम करना है। किससे 7 कम करना है? 23 से 7 कम करना है। तो अगर हम 23 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट है 50 अधिक, यानी 50 ज़्यादा करना है। तो 23 में पहले हम 23 लिखेंगे और नीचे 50 लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 73। लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है? 10 कम करना है। कम करने का मतलब होता है माइनस करना। तो पहले हम लिखेंगे 23 और 23 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 13। तो सारी चीज़ें जो चाहे आप कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, वो सारी इस वाले नंबर से होगा जो इधर बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने सॉल्व पहला वाला जो नंबर है, जो कि है 23, ये हमें सॉल्व करके ही दे रखा था। तो हमें क्या करना है? 42 से शुरू करना है। तो यहाँ पे है 42, इस वाले कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर 42 में हम 5 जोड़ दें तो कितना आंसर आ जाएगा? आ जाएगा 47। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करना है? 7 कम करना है, यानी 42 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा।
तो माइनस करने के बाद आप अपनी कॉपी में माइनस करके देखिए कितना आंसर आता है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 37, ठीक है, सॉरी 37 नहीं आएगा, 35 आएगा, क्योंकि 7 को माइनस करना है। नेक्स्ट है 50 अधिक करना, यानी 50 को ऐड करना है। 42 ऊपर लिखेंगे और 50 नीचे लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, आपको प्लस करना तो आता ही है, आप ऐड करके देखिए आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 92। और इस वाले कॉलम के लिए क्या करना है, 10 कम करना है, यानी 42 में से 10 को घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो जब आप 42 में से 10 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 32, ठीक है, यानी 42 वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम 61 पे। अब फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो 61 में जब 5 आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 66। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करना है, 7 कम करना है, यानी 7 घटाना है। तो माइनस करेंगे 7 तो आंसर बचेगा 50। इसको थोड़ा हम ठीक से लिख लेते हैं, 54, ठीक है। इस वाले कॉलम में क्या करना है, 50 अधिक, यानी 50 ऐड करना है। तो पहले आप लिखेंगे 61 और नीचे लिखेंगे 50 और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 111, यानी 111। इस वाले कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 कम करना है, यानी 10 को घटाना है। तो अगर आप 61 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 51, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। चलो अब आ जाते हैं हम 80 पर। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, 80 में 5 को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 85। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, इस वाले कॉलम के लिए हमें 7 कम करना है, यानी 80 में से 7 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 73, ठीक है। नेक्स्ट वाले कॉलम में इसमें क्या करना है, 50 ऐड करना है, यानी 50 जोड़ देना है। तो जब 80 में 50 यानी 50 को आप ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 80 ऊपर लिखेंगे और 50 नीचे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करके आंसर आ जाएगा 0 और यानी 130। लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है, 10 कम करना है, यानी 80 में से 10 को घटा देना है, 80 में से 10 को माइनस करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। नेक्स्ट वाले कॉलम में 27 नंबर है। 27 में सबसे पहले क्या करना है, अब तो आप सबको समझ में आ गया होगा, 27 में आप 5 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे 7 कम करेंगे, यानी 7 को घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 20। लास्ट वाले सेकंड लास्ट, 50 ज़्यादा करना है, यानी 27 में आप 50 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 77। और लास्ट वाले कॉलम में 10 कम करना है, यानी 10 घटा देना है। तो घटा करने के बाद यानी माइनस करने के बाद आंसर बचेगा 1717। और जो यहाँ पे लास्ट नंबर है वो क्या है, 59। तो 59 के लिए सबसे पहले वाले कॉलम में क्या करेंगे, 5 आप इसमें ज़्यादा करना है, यानी 5 को ऐड करना है, जोड़ना है। तो 59 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 64। इस वाले कॉलम में 7 कम करना है, यानी 7 घटाना है, माइनस करना है, तो बचेगा 52। इस वाले कॉलम में 50 जोड़ना है, यानी 50 को ऐड करना है, तो 59 प्लस 50 आ जाएगा 109। और लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है, बहुत सिंपल, 10 घटा देना है, यानी 10 को माइनस करना है। तो 59 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 49, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। देखो यहाँ पे है जमा का निशान और यहाँ पे है घटा का निशान, ठीक है। तो सबसे पहले 25 में हम क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो सिंपल
पाँच है, पाँच में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, यानी आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब दो में हमें क्या जोड़ें कि नौ मिल जाए। आपके पास मान लीजिए दो रुपये हैं, आपको कितने रुपए और चाहिए नौ रुपए बनाने के लिए? तो आपको चाहिए सात रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी आंसर आ गया यहाँ पे 7070। नेक्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे आठ है और यहाँ पे तीन है। तो अगर आठ रुपए में हम कुछ भी जोड़ें तो तीन रुपए तो नहीं बन सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तेरह बना सकते हैं। ठीक है, तो आठ में क्या जोड़ने पर तेरह आ जाएगा? तो आ जाएगा पाँच। ठीक है, अब ये तेरह है तो एक हासिल यहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो सात और एक आठ, तो ये पहले से हो चुका है। तो आठ में आप कितना जोड़ो कि नौ बन जाए? तो बस एक जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक। ठीक है, अब हमें माइनस करना है। पाँच में से हम कुछ भी घटाएं तो आठ तो नहीं बच सकता है, लेकिन अगर हम पाँच में से ना घटा के कैरी ले लें, यहाँ पे कैरी लें, तो ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 6। अब 15 में से हम क्या माइनस करें कि 8 बचे? तो 15 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 7। और 6 में से क्या माइनस करें कि 1 बचे? तो 6 में से हम माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 57। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम ध्यान से। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में से कुछ भी माइनस करने पे 9 तो नहीं बचेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा 17 और ये बच जाएगा 7। अब 17 में से हम क्या घटाएं, क्या माइनस करें कि 9 बच जाए? तो वो नंबर है 8। अब 7 में से क्या घटाएं, क्या माइनस करें कि 1 आंसर आ जाए? तो नंबर है 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि अनुमान लगाना, यानी गैस करना है। किस चीज़ को गैस करना है? अपने दोस्तों से बातचीत करें और पता करें, क्या पता करना है, ये सारे सवाल। अब सवाल क्या है पढ़ लेते हैं। आपके शर्ट में लगभग कितने बटन हैं? जो आप शर्ट पहनते हैं उसमें कितने बटन होंगे, आपको गिनना नहीं है, पहले अंदाज़ा लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शर्ट में चार बटन हैं तो आप चार लिख दीजिए, पांच बटन हैं तो पांच लिख दीजिए। ठीक है, एक बार आप अनुमान लगा लें उसके बाद आप अपने शर्ट के बटन को गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कि साइकिल के एक पहिए में लगभग कितनी तीलियां होंगी। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके पहिए के बीच में बहुत सारी तीलियां होती हैं। पता नहीं आपने कभी गिना है या नहीं गिना है, पर वो बहुत सारी तीलियां होती हैं। तो आपको गिनना नहीं है, क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है कि वो कितनी तीलियां हो सकती हैं। जितनी तीली लग रही है वो यहाँ पे लिख दें, और उसके बाद चाहें तो आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक खिड़की की चौड़ाई लगभग कितने सेंटीमीटर होगी। तो देखो, इसका आंसर बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपके घर में छोटी खिड़की भी हो सकती है, बड़ी खिड़की भी हो सकती है, और सभी के घर में अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज़ की खिड़की हो सकती हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर में जो खिड़की है वो कितने सेंटीमीटर चौड़ी है। जितना आपको लग रहा है वो आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट वाला है कि आपके हाथ से एक मेज की लंबाई लगभग कितने हाथ होगी। आप जिस मेज पर, जिस बेंच पर स्कूल में बैठते हैं या घर पे बैठते हैं, आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके कितने हाथ उस मेज को कवर कर सकते हैं। जितने लग रहे हैं आप उतना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें अंदाज़ा लगाने के बाद आप खुद से करके भी देख सकते हैं कि कितनी है इनमें। ठीक है, गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप अपने मेज को नाप कर देख सकते हैं अपने हाथ से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पांचवें सवाल पर, जिसमें हमें कह रखा है कि कमल के पास सुनील से 25 रुपए ज़्यादा हैं। तो अगर कमल के पास हैं 63 रुपए, तो सुनील के पास कितने रुपए होंगे? बहुत आसान सवाल है। देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि कमल के पास कितने रुपए हैं, 63, और सुनील के पास कितने ज़्यादा हैं, इससे 25 ज़्यादा हैं। ज़्यादा का मतलब जोड़ना, तो हम 63 और 25 को ऐड कर देंगे। 3 प्लस में 5 कितना होता है, 8, और 6 प्लस में 2 कितना होता है, 8। यानी कि सुनील के पास कितने रुपए हैं, तो उसके पास हैं 88 रुपए। कितने हो गए, 88 रुपए। तो ये तो हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर।
अब पढ़ लेते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन को, जिसमें हमसे कह रखा है कि एक गेंद की कीमत यानी एक जो बॉल मिलती है उसका प्राइस है 25 रुपये। तो हमें बताना है कि अगर हमें 3 गेंद खरीदनी है तो कितनी हमें उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो देखिए, पहली बॉल है 25 रुपये की, दूसरी बॉल फिर से 25 रुपये की, तीसरी बॉल फिर से 25 रुपये की। या तो हम इन तीनों को जोड़ लें, या फिर हम सिंपल एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितनी बॉल है, 3। एक बॉल की कीमत कितनी है, 25 रुपये। तो 25 और 3 को आपस में गुणा कर दें, ठीक है। तो 3 5 15 होता है, 5 यहाँ आएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6, और 6 में इस 1 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 75। तो आंसर कितना आ गया, 75 रुपये, ठीक है। यानी अगर आपको 3 बॉल खरीदनी है तो आपको टोटल पैसे जो दुकानदार को देने पड़ेंगे वो है 75 रुपये, ठीक है। तो 5वां और 6ठा सवाल तो हो गया, अब हम देखते हैं 7वां सवाल। इसमें क्या रखा है कि एक दुकानदार के पास 52 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, 52। उसने 39 किताबें बेच दी। तो अब हमें बताना है कि दुकानदार के पास कितनी किताबें बची हैं। देखो, दुकानदार के पास कितनी किताबें थी, 52। इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, 52। और उसने बेची कितनी है, 39। तो इसको अगर हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार के पास अभी कितनी किताबें बची हैं। तो 2 में से हम 9 को तो नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। ये आ जाएगा 12 और ये बचेगा 4। 12 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो बचेगा 3, और 4 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो बचेगा 1। आंसर कितना आ गया, 13। यानी अभी दुकानदार के पास 13 किताबें बची हुई हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 2 किलोग्राम आटे की कीमत है 70 रुपये। तो हमें बताना है कि 1 किलोग्राम आटे की कीमत क्या होगी। तो देखो, 1 किलोग्राम आटा कितने का आएगा ये हमें बताना है। दिया क्या है, 2 किलोग्राम आटे की कीमत। तो 2 को हम बाहर लिखेंगे, 70 को अंदर लिखेंगे और इसको हम भाग कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 रुपये। यानी कि 1 किलोग्राम आटे की कीमत कितनी है, 35 रुपीज़, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।